नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी कंसेंट्रेटिंग टू मूव इन द वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। फोर्स हमें क्या दे रखा है? फोर्स इक्वल टू दे रखा है माइनस टू आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6 के कैप न्यूटन। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज मूविंग द बॉडी ए डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। तो हमें आर क्या दे दिया? 10 जे कैप। फोर्स भी क्या है? ए बॉडी कंसेंट्रेटेड मूव टू इन क्या करिए, लगातार वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है। फोर्स क्या दे दिया? इतना वर्क डन बाय दिस फोर्स इज मूविंग बॉडी, हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है कि बॉडी मूव करी उसकी डिस्टेंस क्या है 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। तो 10 जे कैप, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू एफ क्रॉस आर होता है, तो वर्क डन क्या देगा हमारे पास? 150 जूल। बिकॉज ये क्या दे रखी है? वाई डायरेक्शन में, तो फोर्स 115 इंटू 10 हो जाएगा। फोर्स भी क्या रहे, तो वाई डायरेक्शन में तो ये ही लगेगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास वर्क डन? 150 जूल। ओके okay?